होते हुए देख के पहली बार मैंने एमवाई हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया था। एक ऐसी गरीब महिला के लिए ब्लड दिया था जो कि उसे उसके पति के लिए वो ब्लड के लिए भटक रही थी इधर उधर। तो मैंने देखा उसे कि बहुत ही परेशान है, तो मैंने पूछ लिया कि आपको क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसकी सबसे पहले मदद करूँ, ब्लड डोनेशन करूँ। पहली बार उस महिला को मैंने ब्लड डोनेशन किया। उसके ब्लड डोनेशन के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, आज की तारीख में ब्लड देने वाले पूरे शहर में बहुत हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारा ब्लड किस काम आ सकता है और हम डोनेट करेंगे तो कितने लोगों की मदद हो सकेगी। तो हमने इस टाइप से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, एक संगठन बनाया, कुछ लोगों को जोड़ा, लोगों को ब्लड डोनेशन करते गए। धीरे 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 लोग जुड़ते गए। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए शहर में। आज से 5 साल पहले बता दूँ कि लोग एक ब्लड डोनेशन करने के लिए बड़ी फज्जियत होती थी, लोग को दिन भर हो जाता था, एक ब्लड नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति आ गई कि पूरे देश भर में एक ब्लड की लहर सी चली। हमने फिर कॉल सेंटर खोला जो कि देश का पहला कॉल सेंटर है, पूरे देश में निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड करवा रहा। जहाँ भी जिसे ब्लड की आवश्यकता होती है हम उसे एनी टाइम ब्लड पहुँचा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हर आदमी ब्लड देना चाहता है, हर आदमी ब्लड डोनेशन करना चाहता है, लेकिन उसे सही जगह पता नहीं होती कि उसे ब्लड देना कहाँ चाहिए, किसको ब्लड देना चाहिए। तो हमने वही लोगों को जगह बताई कि आपको ब्लड किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। यही कारण को जब लोगों को बताया तो 20,000 मेंबर हमसे जुड़ गए और पूरे देश भर में हम इस अभियान को चला रहे हैं। हमने देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर डाला। उसके बाद हमने देखा कि यार ब्लड देना चाहते हैं लोग, लेकिन आने जाने की दिक्कत होती है गर्ल्स को, तो हमने उनके लिए एक रक्तवाहिनी की शुरुआत की जो कि देश की ऐसी पहली गाड़ी है जो सेफ लड़कियाँ जाएगी, ब्लड डोनेशन करेगी, उसके बाद उसके वापस उसके घर छोड़ेगी। एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की तो लड़कियां अब आगे आ रही ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि एक ऐसी सुविधा है कि जो उनको सेफ है, घर से जाना है घर वापस छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी आगे आ रही ब्लड डोनेशन के लिए। आप पूरे पेशेंट की हमें डिटेल बताएं कि पेशेंट का नाम ये है, हॉस्पिटल का नाम ये है, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कौन डोनर आपको ब्लड देने आ रहा है। देखिए पहली चीज़ ये कि ब्लड मांगने से पहले हमें अपने घर में सर्च करना चाहिए कि हमारे घर में कितने लोग हैं ब्लड देने के लिए। उसके बाद अगर आपके परिवार के लोगों ने ब्लड दे रखा है तो आप तुरंत हमें कॉल करें, और अगर उन लोगों ने नहीं दिया तो सबसे पहले उन्हें डोनेट करने के लिए करें। और अगर आपको उसके सारी कंडीशन खत्म हो जाती है कि अब नहीं है हमारे पास, तो हमें कॉल करें। देश के किसी भी कोने में आपको ब्लड चाहिएगा हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको जुड़ना भी हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9200250000।